हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और अब आप लोग आगे की प्लानिंग कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आई एम इंदौर के आई पी मेट के रिजल्ट के बारे में 2020। इसमें हम लोग हमारे रिजल्ट्स की बात करेंगे, फीडबैक्स की बात करेंगे और कुछ गलतियाँ जो हमने की होंगी, है ना, आई पी मेट 2020 में, वो गलतियाँ क्या थी थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे और आई पी मेट 2021 की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अगर मेरी बातें ये ध्यान रखी तो आगे भले ही आप आई पी मेट दो या ना दो, आगे आप दूसरे एग्ज़ाम्स दो, कैट, जैट या बैंकिंग के, आपको ये सब चीज़ें काफ़ी काम में आएंगी। क्योंकि मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया लास्ट 3-4 मंथ्स में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, तो हो सकता है कि वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हमारे फीडबैक्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल पे अभी भी काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं और कोई ज़्यादा मार्केटिंग नहीं है, उसके बावजूद इस बार भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। शायद हो सकता है कि परसेंटेज वाइज सबसे अच्छा हो पूरे इंडिया में, है ना। अभी तक हमारी जितने भी स्टूडेंट से बात हो पाई है, 8 का कन्फर्म आई पी मेट इंदौर क्लियर हो गया है। मेल के थ्रू ही आप हमारी जानते हो कि बात होती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स लिए थे उसमें से 8 का कन्फर्म अभी तक क्लियर हो गया है। आगे हो सकता है अभी और भी मेल आ जाए तो और भी बच्चों का क्लियर हो जाए, है ना। स्क्रीन पे आपको धीरे धीरे नीचे उनके नाम दिखते जाएंगे। ठीक है, तो सभी को उसके लिए थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद, इतने कम स्टूडेंट्स होने के बावजूद हमारे इंस्टीट्यूट में इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग आई पी मेट 2021 की प्रिपरेशन करो हमारे इंस्टीट्यूट से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका भी स्क्रीन पर ऐसे ही नाम आपको दिख रहा हो, है ना। तो कोशिश करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, ठीक है, और पिछली गलतियों से सीखना और आई पी मेट 2021 में कोई भी गलती मत करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आई पी मेट 2020 से क्या क्या इश्यूज़ आए। नॉर्मली मेरी जितने भी अभी स्टूडेंट से बात हुई या मैंने जो ऑब्जर्व किया है कुछ महीनों से, उसमें एक चीज़ ध्यान से अगर देखी जाए, मैं बता रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों में जब से नॉर्मली अब बात करूँ फैब के बाद से, कई लोगों का सोशल मीडिया पे एकदम से ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, है ना। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होने के बाद क्या हुआ, उनकी पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हुई जैसी वो लोग दिसंबर जनवरी तक किया करते थे। तो पर्सनली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ थी, वो लोग सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे अभी तक, वो जब तक 7 सितंबर तक उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से की, है ना। ये जितने भी स्टूडेंट्स थे ये लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। नॉर्मली व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे मैंने देखा है, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो कैट के हों, आई पी मैट के हों, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काम की बातें बहुत कम करते हैं और इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मीम्स बनाते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, वो एक लेवल तक ठीक रहता है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप पूरा दिन उसी में लगे रहो और उसी चैटिंग में ही लगे रहो, इधर इसकी भलाई बुराई और इधर उधर लगे रहो और आप अपनी खुद की पढ़ाई ना करो, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। अब इसमें से कई लोगों को लग रहा होगा उसमें क्वेश्चंस भी तो पोस्ट होते हैं, तो दिन भर में अगर कुछ क्वेश्चन आपने रैंडमली किसी और के डाउट सॉल्व कर लिए, उससे आपकी पढ़ाई थोड़ी ही हो रही है। आपको तो अपनी एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तक आप सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करोगे, टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन कैसे होगी। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, है ना, अपनी रैंक ऑब्जर्व नहीं करोगे क्या आ रही मॉक टेस्ट में, तब तक आपकी अच्छी रैंक कैसे आएगी, आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, है ना। तो मेरा जो पर्सनली जितने अभी स्टूडेंट से बात हुई है, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, उनमें एक ख़ास बात थी, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सबसे बहुत कोसों तक दूर थे, है ना। ये सिर्फ उसका काम के लिए ही यूज़ करते थे, जबरन की चैटिंग में ये लोग अपना समय ख़राब नहीं करते थे। ठीक है, दूसरा मेरी जो स्टूडेंट से बात हुई काफ़ी से, वो क्या हुआ, एग्ज़ाम के टाइम पे वो पैनिक कर गए। अगर एग्ज़ाम टाइम पे आप घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा। कई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मुझे उम्मीद थी कि इनका निकल ही जाएगा, लेकिन फाइनली वही हुआ, उनके मॉक तक में अच्छे रिजल्ट आते थे, मॉक जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसमें भी उनके अच्छे आते थे, बाकी हमने जो फुल लेंथ प्रोवाइड करवाई थी उसमें भी अच्छे आते थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, एग्ज़ाम वाले दिन इन्हें सोचो जो मैथ्स का एमसीक्यू था, और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, है ना, उसके बावजूद 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो मॉक में अच्छे परफॉर्म करते थे, लेकिन फिर भी मैथ्स के एमसीक्यू का उनका सेक्शनल नहीं निकला, बल्कि कितना कम गया था, है ना। तो
एक ये इशू आता है, एक इशू ये आता है कि हम सेक्शनल कट ऑफ के बारे में ध्यान ही नहीं देते, है ना। आप लोग सेक्शनल कट ऑफ निकालने पे भी ध्यान दिया करो। सेक्शनल कट ऑफ जब तक नहीं निकलेगा तो ओवरऑल आपके कितने भी ज़्यादा आ जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर सेक्शनल कट ऑफ आपका निकलना ज़रूरी है, प्लस ओवरऑल फिर निकलना ज़रूरी है। लेकिन कई लोगों का ओवरऑल निकल गया है ना, तीन सेक्शन में से एक आध भी नहीं निकला, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है ना। पूरे साल भर एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको तुक्का नहीं लगाना है। सॉरी, शॉर्ट आंसर में आप लगा सकते हो, लेकिन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो वर्बल के हों, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैं साल भर उनसे बोलते रहा मॉक टेस्ट के रिजल्ट देखने के बाद भी कि तुम लोग तुक्के काफ़ी लगाते हो, तुम लोग तुक्के मत लगाया करो, है ना। तो उनको लगता था, कई बार क्या होता है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारे तुक्के सही हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे मेन एग्ज़ाम में भी सही हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शन बहुत क्लोज बनाए जाते हैं, इवन मॉक टेस्ट में भी होता है, लेकिन कई बार आप समझ सकते हो ना कि जब हम घर पे बैठ के देते हैं तो हमारे तुक्के सही हो जाते हैं, लेकिन जब फाइनल करने वाली बात आती है तब कोई तुक्के सही नहीं होते। तो कई स्टूडेंट्स ने क्या हुआ, एग्ज़ाम में उनको लगा कि उनसे कम बन रहे हैं तो उन्होंने तुक्के ज़्यादा लगा दिए। अब आप अगर तुक्के ज़्यादा लगा दोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर वो तुक्के नहीं लगाते तो उनका सेक्शनल आराम से निकल जाता, ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके तुक्कों की वजह से, है ना, उनका वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाया और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है हमारे दिमाग में बिठा के रखनी चाहिए, ठीक है। और मेन चीज़ यही, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, ये सोशल मीडिया से दूर रहो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक के ये जितने स्टूडेंट्स हैं आजकल 11, 12 और ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के, ये बहुत ज़्यादा टाइम मिसयूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना। इस पे मेरा दैनिक भास्कर में पूरा आर्टिकल भी मेरा आया था लास्ट ईयर, मैंने इस पे दिया था। तो ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ आप अपनी पढ़ाई के लिए करो। आप ग्रुप तो ज्वाइन कर लेते हो पढ़ाई वाला, लेकिन आप किसी भी ग्रुप आपने अगर कोई ज्वाइन किया हो तो आप देखना, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उसमें काम की चीज़ों से ज़्यादा फालतू की इधर उधर की बातें खूब होती हैं। एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, किसी इधर की उधर की, है ना, मीम्स बनाते रहोगे, इन सब में कुछ नहीं रखा। पहले पढ़ाई करके कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओ, उसके बाद ये सब करते रहना, ठीक है। ये मैंने देखा, ये कुछ अच्छे अच्छे जो बच्चे थे पिछले, ये जब से लॉकडाउन लगा है उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, वो पूरा टाइम ख़राब कर डाला, जिस कारण उनका फाइनल कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो उनको फॉलो कर लेना, ताकि नेक्स्ट ईयर या आगे आप जो भी एग्ज़ाम्स दो उसमें ये सब इश्यूज़ ना आए, ठीक है। प्लस अभी जो भी स्टूडेंट्स आईपी में 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उनकी को मेरी एक ही सलाह रहेगी, एक तो ये सोशल मीडिया का ध्यान रखना, है ना। अब बोलने के बाद भी नहीं मानोगे तो देखो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको समझा ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आईपी में 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, दिसंबर 2020 तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, प्लस अगर हमारा आपने कोर्स लिया हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लो, या कहीं और का भी लिए कंप्लीट करो, प्लस हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लो, या आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लो। फिर दिसंबर जनवरी के बाद फुल लेंथ जब भी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी उसको आप करो। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और कई बच्चों को, जैसा मैंने साल भर बोलता रहता था, मॉक खूब दो, मॉक नहीं देते थे। मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। तो आप अपनी पढ़ाई करो, कंसेप्ट अच्छे से बनाओ, है ना, प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट खूब सारे दो, ताकि आपको अपनी गलतियाँ पता चलते जाएँ कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो, तब जाके आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। और डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई ही एक सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिनको हमारा IPMET 2021 का कोर्स परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके वो अभी भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।